गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइट एंड बी योर टीचर एंड एजुकेटर। आपका स्वागत है बाइट की न्यू थीम पे, न्यू एनवायरनमेंट विद ग्रेट कंटेंट एंड ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द कंटेंट। ये आप लोग आज एक्सपीरियंस करेंगे। वेलकम टू बाइट एंड बी योर टीचर एंड एजुकेटर। अगर वॉइस क्लियर आ रही है, विजुअल्स क्लियर आ रहे हैं तो प्लीज चैट सेक्शन में यस लिख दीजिए। इफ द वॉइस इज क्लियर एंड विजुअल्स आर क्लियर, प्लीज राइट यस इन द चैट सेक्शन। गुड आफ्टरनून अगेन टू ऑल ऑफ यू। अगर विजुअल्स क्लियर आ रहे हैं और आपको आज बच्चे कहाँ हैं, बच्चे लॉकडाउन में घर में लॉक हुए हुए हैं और कुछ जूम में लॉक हो गए जाके, सबको क्वालिटी पसंद नहीं आती। आयुष का कहना है यस इट इज क्लियर, वेरी गुड। आन्या जैन का कहना है यस सर। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज अपना फीडबैक दे दीजिए। और आपके पास अगर कोई मीडियम है व्हाट्सएप के अलावा अपने फ्रेंड्स को बताने का, क्लास में इनवाइट करने का, तो प्लीज उन्हें भी इनवाइट कर लीजिए ताकि वो भी हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकें और इस इंटरेक्टिव क्लास का बेनिफिट उठा सकें। प्लीज व्हाट्सएप का मत यूज कीजिएगा, कोई भी और अनदर मीडियम का आप यूज कर सकते हैं ऑफिशियल चैनल के अलावा। चलिए, अगर इट्स क्लियर देन वी कैन कंटिन्यू विथ आवर क्लास। ओके, बाइट पे पाइथन के अलावा सी प्लस प्लस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कवर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम 1K सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने चैनल में और पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स भी लेके आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून देवांश, गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अंशिका। चलिए गुड इवनिंग ही मान लेते हैं, वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, आफ्टरनून भी चल जाएगा, इवनिंग भी चल जाएगी, दोनों ही ठीक हैं। तो बाइट पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस फ्यूचर में आपको मिलेंगे और बहुत सारी काम की इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। आपने बाइट के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि कैसे आप बाइट पे कंटेंट को इंजॉय कर रहे हैं और अच्छी तरह सीख रहे हैं, उसे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ताकि वो भी हमें आने वाली क्लासेस में ज्वाइन कर सकें और इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। गुड आफ्टरनून शिखर, हाउ आर यू? ओके, ये हमारा नया टाइम टेबल है, टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये नया टाइम टेबल है, इसे ध्यान से देख लीजिए। मंडे को क्लास 10th का लेक्चर, दैट इज़ ऑन 12:30। ट्यूसडे को क्लास 11th की क्लास, जो कि आज हो रही है, दैट इज़ 4 PM। वेनसडे को क्लास 12th का लेक्चर होगा 12:30। थर्सडे को क्लास 10th का क्विज और अ लेक्चर एट 12:30। फ्राइडे को क्लास 11th का क्विज और लेक्चर। आपके कमिंग वीक में ये फ्राइडे की क्लास होगी, लेक्चर होगा, क्विज नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सिलेबस को पेस अप करना है, तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जानबूझ के मैं क्लास कंडक्ट करूंगा। और सैटरडे को क्लास 12th की अगेन क्लास या लेक्चर क्विज, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस। तो प्लीज़ अगर आपका कोई रिलेटिव क्लास 10th में है और क्लास 12th में है तो प्लीज़ उन्हें भी बता दीजिए, वो भी आगे से हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इन क्लासेस में। और टाइमिंग भी आप बता सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड यू कैन स्प्रेड इट थ्रू योर सोशल मीडिया, थ्रू योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैक्स, ग्रेट, दैट्स वेरी गुड शिखर। ओके, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, आपकी असाइनमेंट्स, टेस्ट, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम के इस अकाउंट पे मिलेंगे। तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम के इस अकाउंट पे ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और यहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगी वो आपको मिल जाएंगी, यहाँ तक कि वीडियो कब स्टार्ट होने वाली है, किस दिन कौन सा लेक्चर है, वो सब जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी।
हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको चैनल को शेयर करने में आसानी मिलेगी। उसके अलावा जो भी हमारा लेटेस्ट कोर्स आएगा, कोई एक्स्ट्रा कोर्स जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सिखाना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों में स्किल को एनहेंस किया जा सके, तो वो चीज़ आपको इसके थ्रू बताई जा सकती है मंथ्स बिफोर, ताकि आप अपना टाइम स्लॉट अवेलेबल करवा सकें और उस कंटेंट का बेनिफिट जो है वो उठा सकें। और शेयर भी करें आप चैनल को, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके बारे में जानें, इसका बेनिफिट उठाएं, अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को, कंप्यूटर में इंटरेस्ट को डेवलप कर सकें और उससे अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। इसका यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है। ओके, और ये डाउट्स जो हैं आपके डेंजरस होते हैं, तो प्लीज़ अपने डाउट्स को इस यूआरएल पे मेंशन कर दीजिए। मैं वीडियो में स्टार्टिंग में ही या वीडियो की एंडिंग में आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर दूंगा। इस यूआरएल पे अपने डाउट को आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है। डाउट्स आर डेंजरस, डोंट कीप देम पेंडिंग, क्लियर देम टाइमली, ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड आफ्टरनून अंजर उर्फ जैक स्पैरो, आपका पुराना नाम भी मुझे याद हो गया अंजर। अब कई बार मुंह से आपका ये नाम निकलने की जगह आपका पुराना नाम निकलता है। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, यहां से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, tinyurl.com/bytelearning। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है। यहाँ पे सीरियल वाइज आपके पास नोट्स भी हैं और आपके पास वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन उन्हें बिना इंटरनेट के रीड कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है नोट्स पढ़ते समय, कुछ याद आता है कि भाई ये तो मुझे मैं भूल गया, तो वो चीज़ आप दोबारा अपने वीडियो लेक्चर को देख के यहीं से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू आयुष फॉर सच अ गुड कमेंट, बेस्ट एजुकेशन, बहुत ही इनोवेटिव वे में आपने मेंशन किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, योर क्रिएटिविटी इज बीइंग एक्सप्रेस थ्रू सच मीन्स, बहुत बढ़िया। माई सेल्फ विवेक दुनेजा, PGT कंप्यूटर साइंस, हैविंग मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। प्लीज दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके और वो भी हमें इस लाइव लेक्चर में ज्वाइन कर सकें, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट गेन करके, नॉलेज गेन करके, कंप्यूटर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाया जा सकता है और वो सब वो बना सकते हैं अगर यहां से नॉलेज को वो गेन करते हैं। तो प्लीज उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमें लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर लें, अगर आज के सेशन में नहीं तो कम से कम आने वाले सेशंस में तो एटलीस्ट ज्वाइन कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक इफ एलिफ एल्स। आप देख सकते हैं न्यू थीम, न्यू टाइप्स ऑफ कलर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर हाइलाइटिंग पर्पस, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और समझने में अट्रैक्टिव लगेगा, तो जानबूझ के हमने इस तरीके के चेंजेस करे हैं। जैसे जैसे चैनल प्रोग्रेस करते रहेगा उस तरीके से आप लोगों के लिए और बढ़िया चीज़ें हम यहाँ पे लाते रहेंगे। इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, अब देखते हैं इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या कवर करने वाले हैं। इफ एल्स टू हैव अ ड्रॉबैक, इफ एल्स के अपने खुद के ड्रॉबैक हैं, दैट इज इट कैन चेक ओनली वन कंडीशन, वो सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर सकता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको एक आउटपुट मिलेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको कोई और आउटपुट मिलेगा। यानी अगर हमारे को बेसिकली एक कंडीशन चेक करनी है जिसका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो उस केस में तो इफ एल्स हमारे लिए सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको मोर देन वन कंडीशन चेक करनी है, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, तो इफ एल्स आपके काम नहीं आने वाला। इफ एल्स का ये ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको कुछ और आउटपुट मिलेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको कोई और आउटपुट मिलेगा। बट इफ यू वॉन्ट टू चेक मल्टीपल कंडीशन, अगर आपने बहुत सारी कंडीशन चेक करनी है तो देन यू हैव टू यूज एल इफ। एल इफ को ऑल्सो कॉल्ड एज, AKA स्टैंड फॉर ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे एल्स इफ भी कहा जाता है। तो आप एल इफ का यूज कर सकते हैं, जो एल्स इफ है इफ के साथ आप इसका यूज कर सकते हो, इफ एल्स के साथ, ताकि आप एक से ज्यादा कंडीशन देने का काम कर सकें। यू कैन गिव मोर देन वन कंडीशन। इट विल स्टार्ट विद द इफ कंडीशन, ये चलना शुरू करेगा इफ कंडीशन से,
फॉलोड बाय एलिफ कंडीशन, और उसके इमीडिएटली बाद हमारी एलिफ कंडीशन आ जाएगी, विच कैन बी एनी नंबर ऑफ टाइम। और ये एलिफ की कंडीशन जो है, गुड इवनिंग मान्या, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, और ये वाली चीज जो है आपको और पॉजिटिव चेंजेस फ्यूचर में मिलते ही रहेंगे चैनल पे। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा आपको इस तरीके के और इनोवेटिव चेंजेस मिलेंगे, और आज भी आपको कई नई चीज़ें देखने मिलेंगी। सिर्फ ये कलरफुल थीम ही नहीं है, और भी हमने कुछ इसमें प्रॉपर और अच्छे चेंजेस करे हैं। और जब ये चलना शुरू करता है, चेक करना शुरू करता है, सबसे पहले चेक होती है हमारी इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन चेक होने के बाद हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होता है एलिफ पर। अगर इफ मैच नहीं करेगी तो, अगर इफ मैच नहीं करेगी तो हम चले जाएंगे एलिफ पर। और एलिफ जो है, इट कैन बी प्रेजेंट एनी नंबर ऑफ टाइम। आप एक एलिफ दे सकते हैं, आप जितने मर्जी एलिफ दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितनी कंडीशन आप चेक करवाना चाहते हैं उतने आप एलिफ यूज कर सकते हैं। लास्टली एल्स विच इज ऑप्शनल कैन ऑल्सो बी देयर। और लास्ट में हम एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, और उसको हम तब देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पहली कंडीशन इफ से लगाई, दूसरी कंडीशन मैंने एलिफ से लगाई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच ना करे, तो उस सिचुएशन में क्या चलेगा? उस सिचुएशन में एल्स चलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप एल्स को रख सकते हैं कि अगर आपके द्वारा गिविन कंडीशन कोई भी मैच ना करे तो कोई ना कोई कम से कम कुछ तो आउटपुट आए। तो वो आउटपुट देने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? एल्स का यूज कर सकते हैं, और वो एल्स जो है लास्ट में ऑप्शनली लगाया जा सकता है। यहां तक मुझे बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट टिल हियर, और अगर क्लियर है तो भी मुझे बता दीजिए। क्लियर टिल हियर और एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। एंड प्लीज शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। जब आप कमेंट करते हैं तो दूसरों को एक इम्प्रेशन जाता है कि हाँ, इस वीडियो में एक्चुअल में कंटेंट अच्छा है, तो वो भी इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ डू गिव योर कमेंट। लाइक आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आस्था इज सेइंग यस इट्स क्लियर, मान्या का भी यही कहना है, बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज़ अपना ओपिनियन दे दीजिए। आयुष का भी कहना है, हर्षिता इज ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन, वेलकम हर्षिता। और यहाँ से आप अब लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको समझने आसान हो जाए। अंशिका जिंदल का भी यही कहना है, यस इट्स क्लियर, वेरी गुड, ओके देन वी मे कंटिन्यू फॉरवर्ड, आगे बढ़ सकते हैं हम। ये देखिए अनदर न्यू फीचर ऑफ आर क्लास। अब हमारे पास एक और हेडिंग होगी, विजुअलाइजेशन। इस विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे? आपको फिगर्स के थ्रू टॉपिक समझाया जाएगा। आपको इन फिगर्स के थ्रू समझाया जाएगा कि क्या टॉपिक का मेन मोटिव है, क्या वो चीज करना चाह रहा है, क्योंकि पिक्चर स्पीक मोर 1000 times देन वर्ड। वर्ड से ज्यादा पिक्चर आपके माइंड में इंप्रेशन की तरह छप जाती है, और उससे आपको टॉपिक समझने में आसानी आती है। अब देखिए, मैं आपको इफ एलिफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके लिए मैंने विजुअलाइजेशन यूज करी है। हमने चेक करना है कि किस कंट्री में कौन सी करेंसी यूज होती है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहली कंडीशन लगाई, इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए। अगर कंट्री यूएसए है तो करेंसी क्या यूज होनी चाहिए? डॉलर यूज होनी चाहिए। अब हमें एक और कंडीशन देनी थी। एक और कंडीशन देने के लिए हमने यहां पे क्या लगाया? एलिफ लगाया। एलिफ का बेसिकली मतलब हो गया एल्स इफ। अगर ये मैच ना किया तो हम किस पे आ जाएंगे? हम एलिफ पे आ जाएंगे। और इस बार हम दूसरी कंट्री को चेक करना चाहते हैं, तो हमने एक और कंडीशन दे दी, क्योंकि एल्स में तो आप कंडीशन दे नहीं सकते। तो कंडीशन दोबारा देने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एलिफ लगाना पड़ेगा। तो एलिफ में हमने इस बार चेक किया कि अगर कंट्री किसके इक्वल है? इंडिया के इक्वल है, तो क्या कौन सी करेंसी यूज होगी हमारे पास? रुपया, रुपए नाम की करेंसी जो है वो हमारी यूज होगी। और एल्स ले लिया मैंने। अगर वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं थी कि मैं इतना बड़ा एग्जांपल करता आपको समझाने के लिए। अगर कंट्री यूएसए नहीं है, अगर कंट्री इंडिया नहीं है, तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने कर दिया कि एल्स चल जाएगा, और एल्स में हमने करेंसी कर दी बिटकॉइन। तो ये हमारे पास एक विजुअलाइजेशन है, एक एग्जाम्पल है पिक्टोरिकल, जिसमें समझाया जा रहा है कि पहली कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये मैच हो गई तो करेंसी की वैल्यू डॉलर सेट हो जाएगी और हम सीधा इसके बाहर आ जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन
लेकिन अगर आपकी कंट्री यूएसए नहीं है तो इफ कंडीशन फॉल्स होगी और आप कहाँ जाओगे, एलिफ पे। एलिफ पे कंडीशन दोबारा चेक होगी, इस बार चेक होगा कि क्या कंट्री इंडिया के बराबर है। अगर कंट्री इंडिया के बराबर हुई तो करेंसी की वैल्यू सेट हो जाएगी रुपए का साइन, और फिर हम सीधा इसके बाहर आ जाएंगे और कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंट्री यूएसए नहीं है फिर हम एलिफ पे आए, और अगर कंट्री इंडिया भी नहीं है तो हम एल्स पे आए, और फाइनली करेंसी की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, बिटकॉइन सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इफ एलिफ जो है वो वर्क करता है। पहले इफ चेक होता है, फिर एलिफ चेक होते हैं। इफ चल गया तो बाकी कुछ भी नहीं चलेगा उसके अंदर की स्टेटमेंट चलने के बाद। अगर इफ नहीं चेक, अगर इफ फॉल्स हो गया तो एलिफ चलेगा, एलिफ चेक होगा अगर वो मैच कर गया तो एलिफ के बाद कुछ नहीं चलेगा, हम सीधा उसके बाहर आ जाएंगे। और अगर जितने हमने इफ और जितने हमने एलिफ दे रखे हैं उनमें से कुछ भी मैच नहीं किया तो लास्ट में क्या चलता है हमारा, एल्स चलता है। लाइक नर्सरी स्टूडेंट, चलिए जैसा भी हो समझ में आना जरूरी है। इंडिया के बराबर कोई कंट्री नहीं है, बिल्कुल ठीक। यहां तक मुझे बता दीजिए आपको क्लियर है, और इस तरीके की विजुअलाइजेशन जो है वो आपको जाहिर सी बात है टॉपिक समझने में, टॉपिक को ग्रैस्प अप करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस विजुअलाइजेशन। ये भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कितना पसंद आया, आप इस तरीके की विजुअलाइजेशन आगे चाहते हैं या नहीं। येस इट्स क्लियर। हर्षिता का भी यही कहना है, मान्या इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, आस्था का भी यही कहना है, अंशिका ओके बहुत बढ़िया। आज ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है हमें रिस्पांस देने के लिए, उम्मीद तो थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे और इंटरेक्टिव सेशन होगा। आयुष इज देयर टू मोटिवेट अस, थैंक यू आयुष वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल, फॉर सपोर्टिंग अस इन आर लाइव सेशन, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ एलिफ का सिंटैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना होता है तो हमारे को जो चीज़ आनी चाहिए दैट इज द सिंटैक्स। तो सिंटैक्स कैसा है हमारा इफ एलिफ एल्स का वो समझते हैं। सबसे पहले आप इफ कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी, फिर आएगा कॉलन का साइन। कॉलन का साइन देते ही आपको पता है यहाँ पे गैप आ जाता है, इस गैप को क्या कहते हैं, प्लीज अगेन टेल मी व्हाट इज दिस गैप कॉल्ड एज, इस गैप को क्या कहा जाता है। सॉरी उज्ज्वल, आपका नाम भूल गया मैं, क्योंकि उस समय आप सामने नहीं थे तो इसलिए मैं नहीं ले पाया आपका नाम, सॉरी फॉर दैट। डेफिनेटली यू आर देयर फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर सपोर्टिंग द चैनल, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज दिस गैप कॉल्ड एज, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। बहुत बढ़िया, हर्षिता ने आंसर दिया है, आस्था का भी आंसर आ गया हमारे पास, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड रिस्पॉन्स। हर्षिता ने फुल वर्ड अब आंसर का दे दिया, दैट इज इंडेंटेशन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये जो गैप हमारा क्रिएट हुआ है इस कॉलन सिंबल को देने की वजह से, दिस इज इंडेंटेशन। इस इंडेंटेशन की वजह से पता चलता है कि कितनी स्टेटमेंट हमारी इफ के अंदर इंक्लूड होने वाली है। सर अगर हमें इफ को के अंदर, इफ के तो अंदर तो और इफ लगाना है, आज नहीं बेटा वो कल के टॉपिक में आपको ये चीज मैं कवर करवाऊंगा, इट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ। मान्या आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा कल के टॉपिक में, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसे नेस्टिंग ऑफ इफ कहते हैं, वहां पे मैं आपका ये टॉपिक जो है वो क्लेरिफाई कर दूंगा। इस डॉट का मतलब है कि स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि दो हो, जितनी मर्जी स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं इफ के अंदर आप दे सकते हैं। फिर आप बैकस्पेस करेंगे और बैकस्पेस करने के बाद आप दूसरी कंडीशन लगाने के लिए एलिफ दे सकते हैं। एलिफ का मैंने मतलब आपको बताया था एल्स इफ होता है। इसके आगे हमारी कंडीशन आ गई, कंडीशन अगेन रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके बनेगी। इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स इंक्लूड हो गई हैं, इसे एलिफ ब्लॉक कहते हैं। कैन बी इन एनी क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बता दिया था एलिफ को जरूरी नहीं है कि एक ही बार यूज कर सकते हैं, एलिफ को जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं। इस डॉट, ये डॉट जो है वो सिग्निफाई कर रही है कि स्टेटमेंट की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, और ये डॉट सिग्निफाई कर रही है कि एलिफ को हम एक बार नहीं कितनी भी मर्जी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफ कैन बी प्रेजेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लास्ट में हमारे पास एल्स है और ये कंपलसरी नहीं है, दिस पार्ट इज ऑप्शनल। लेट मी मेंशन फॉर
यू आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एल्स पार्ट है ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। हम इसकी जगह एल इफ का भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह एल इफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ दिस एल्स। तो ये एल्स जो है वो ऑप्शनल है हमारा, और इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं अगेन एलिफ में, एल्स में कभी कोई स्टेटमेंट वो तो आती नहीं कंडीशन, तो आप देख सकते हैं एल्स के आगे खाली है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सीधा कॉलन का साइन आया और इसकी इंडेंटेशन में हमने स्टेटमेंट्स डाल दी और ये बन गया हमारा एल्स ब्लॉक। और इसमें भी डॉट लगी हुई है, इसका मतलब कि इसमें भी हम कितनी मर्जी स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताइए, अगर किसी को डाउट है तो मैं आपका डाउट को क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान्य आस्किंग सर, मैं हमारी थी टैब वो एरर डाटा था मुझे ऑटो टाइप, डिफरेंट एरर्स वर देयर इंडेंट सिंटेक्स एंड मेनी मोर। यू कैन टेल योर एरर मान्या, डेफिनेटली जब वीडियो कंप्लीट होगी तो आप मुझसे इन एरर्स को डिस्कस कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर दूंगा जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। वीडियो के बाद मैं रुकूंगा और तब आप मेरे से अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर दूंगा रिगार्डिंग टू द प्रोग्राम विच यू आर हैविंग राइट नाउ। इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज अपना ओपिनियन बता दीजिए और मान्या होपफुली आप वीडियो कंप्लीट होने तक वेट कर लेंगी और तब मैं आपको आपके डाउट्स जो है वो क्लेरिफाई कर दूंगा। अंशिका कहना है ऑल क्लियर, वेरी गुड, प्लीज शेयर द वीडियो टू, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें इस लाइव क्लास में ज्वाइन कर सके। कंपटीशन की भावना आती है जब इतने सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरीके की क्वेरीज आती हैं। लगता है अनलाइक करने वाला आज प्रेजेंट नहीं है। यस अंजर, आपने सही गेस किया, आज अनलाइक नहीं है वीडियो में, लेकिन ज़्यादातर वो वीडियो ख़त्म होने के पास आता है। चलिए कोई बात नहीं, आए आए ना आए ना सही, हमने तो अपना काम करना है, हमने तो लोगों को फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देनी है। किसी को पसंद आती है तो ठीक, नहीं पसंद आती तो उनकी मर्जी। एक आमिर खान का डायलॉग था, वो डायलॉग मानना चाहूँगा। उसने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट करी और उसने कहा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अगर पसंद नहीं आती तो अपना टेस्ट चेंज कीजिए। तो यही डायलॉग मैं मारना चाहूंगा उसके लिए जो अनलाइक कर रहा था, कि बेटा मुझे लगता है आपका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, अब अपना टेस्ट इंप्रूव करो तो आपको वीडियो पसंद आएगी और फिर आप लाइक करोगे। इरशाद इरशाद, डेफिनेटली। ओके, बीच बीच में इस तरीके के जोक्स याद आके आपके मूड को लाइट किया जा सकता है और स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। चलिए, मैंने अभी सिंटेक्स को एक्सप्लेन कराया, जो इफ एलिफ इफ एलिफ एल्स के सिंटेक्स को मैंने एक्सप्लेन कराया। यहाँ पे द अबव सिंटेक्स वी हैव अ हेडर लाइन, इस सिंटेक्स में हमारे पास एक हेडर लाइन है, हेडर लाइन के अंदर ये चीजें हैं। एक तो इफ नाम का कीवर्ड यूज हुआ है, उसके अलावा हमने कंडीशन फॉर्म करी है, कंडीशन फॉर्म करने के लिए रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था, एंड इट ऑलवेज रिजल्ट इन बुलियन टाइप वैल्यू। और ये जो हमने कंडीशन बनाई थी, इस कंडीशन का जवाब हमेशा हमारे पास किस टाइप का आएगा, बुलियन टाइप की वैल्यूज का जवाब आएगा। अ कॉलन सिंबल दैट डिनोट्स द बिगनिंग ऑफ द इफ ब्लॉक, और लास्ट में हमारे पास ये कॉलन का साइन लगता है जो बताता है कि यहाँ पे हमारा इफ ब्लॉक जो है वो शुरू हो गया। द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विच आर एट सेम इंडेंटेशन, इफ की बॉडी में वो सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो सेम इंडेंटेशन लेवल पे होंगी, ये बताने के लिए कि ये सारी लाइनें जो हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इफ ब्लॉक का पार्ट हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द इफ ब्लॉक। ये बताने के लिए हमने उन सब लाइंस को सेम इंडेंटेशन पे रखा हुआ है, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट। यहां तक होपफुली आपको क्लियर होगा। ये सर मूवीज नहीं देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही बता दूंगा। ओके, सिंटेक्स हमारा कंटिन्यू हो रहा है। देन कम्स द हेडर ऑफ एलिफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक के बाद हमारा, अच्छा ये ध्यान रखना, इफ एलिफ में इफ एक ही बार आता है और वो भी स्टार्टिंग में आता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एलिफ में इफ एक ही बार आता है और वो भी स्टार्टिंग में आता है, ओनली वन टाइम। देन कम्स द हेडर ऑफ एलिफ ब्लॉक, और फिर हमारा एलिफ ब्लॉक का हेडर आता है। एलिफ के अंदर क्या है, एलिफ नाम का कीवर्ड लगेगा,
कंडीशन विच इज फॉर्मड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसके अंदर भी कंडीशन आएगी, और कंडीशन का जवाब अगेन हमारे पास बुलियन टाइप का होगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स टाइप का होगा। एक कॉलन सिंबल लगेगा इसमें भी लास्ट में, जो बताएगा कि यहां से हमारा एलिफ ब्लॉक जो है वो शुरू हो रहा है। The body of the elif statement contain the statement which are at the same indentation level to tell that they are the part of the elif block. If block की तरह elif block के अंदर भी हमारे पास colon symbol लगा है, colon symbol लगा है तो indentation भी आई होगी, और उस indentation के अंदर हम अपनी statements रखी हैं, ये सारी statements same indentation level पे होगी Python को ये बताने के लिए कि all these statements are the part of the same elif block. This elif block can occur any number of time. ये elif block जो है कितनी भी बार हमारी condition में आ सकता है, depending upon the condition that we want to give. कितनी condition हम देना चाहते हैं इसके ऊपर depend करता है कि elif block जो है वो कितनी बार इसके अंदर आएगा। तो इसकी कोई quantity की restriction नहीं है, it can be present any number of time. Syntax को complete करने के लिए एक last slide और है, इसे भी पूरा कर देता हूँ मैं। Then comes the header line of else block. Last में क्या आया था हमारा, else आ गया था, which simply consist of else keyword. और else block में क्या होता है mainly, else keyword होता है followed by colon symbol, और उसके बाद क्या लगता है colon. इसमें कोई condition तो नहीं होती है, else में अगर आप condition दोगे तो python क्या करेगा error दे देगा, तो else keyword आएगा और सिर्फ colon का symbol आ जाएगा. Then the body of the else statement continues which consist of the statement at the same indentation level to tell that they are the part of the else block. और बाकी if की तरह, elif की तरह, else के अंदर भी हमारी statements जो हैं वो same indentation level पे आ जाएंगी, ये बताने के लिए कि all of them are the part of the else block. और python को पता रहे कि अगर else को चलाना है तो ये सारी वो lines है जिसे उसे execute करना पड़ेगा। यहां तक मुझे बता दीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके डाउट को क्लेरिफाई कर दूंगा। क्लियर टिल हियर प्लीज लेट मी नो। और वो स्टूडेंट्स जो किसी और मीडियम पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं उन्हें इतना बेनिफिट नहीं होगा, आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि टॉपिक खत्म होते ही हम अपने प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ जाएंगे। वो पर्सन वापस आ गया हमारा डिसलाइक करने वाला, यू आर मोस्ट वेलकम, हेलो टू यू। कोई बात नहीं बेटा, आपका डिसलाइक आता है तो भी हमें मोटिवेशन मिलती है ये बताने के लिए कि आप चाहे कितना ही डिसलाइक कर लो, हम अपने एफर्ट को कम नहीं करेंगे, आपके डिसलाइक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी करते रहना। ओके एवरीवन इज इन क्लियर, क्लास में आपने पहले से ही ये क्लियर करवा दिया था सब, ओके। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कवर अप होंगे इसके अंदर, जो वहां पे कवर नहीं हो पाए थे, तो वो चीज यहाँ पे हमारी कवर अप होंगी। इफ एज इफ का फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसमें हमारा प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, किस फ्लो में एग्जीक्यूट होता है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दिस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज, सबसे पहले हमारी इफ कंडीशन चेक होती है, ये ध्यान से समझिए, जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं उसे करने में आपको इसके थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी इफ कंडीशन चेक होगी, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन इट इन इट्स इंडेंटेशन। अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट्स पे, उन स्टेटमेंट्स पे जो हमारी इंडेंटेशन में मौजूद हैं। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएंगी, देन द कंट्रोल ट्रांसफर टू द फर्स्ट एलिफ ब्लॉक, एंड इफ इट इज ट्रू देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ आ गए, हम आ गए अपने सबसे पहले एलिफ पे, और सबसे पहले एलिफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो ट्रू हो जाए। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर उसके अंदर की कंडीशन फॉल्स हो गई, देन द कंट्रोल ट्रांसफर टू द सेकेंड एलिफ ब्लॉक, तो हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एलिफ ब्लॉक पे ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले, और अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट चल जाएंगी।
लेकिन अगर वो फॉल्स होगा तो हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक? जब तक सारे एलिफ ब्लॉक चेक नहीं हो जाते। जब सारे एलिफ ब्लॉक चेक हो जाएंगे और उनमें से कोई ट्रू नहीं निकलेगा, इफ नथिंग इज ट्रू और मैचेस, देन फाइनली एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो फाइनली क्या चलेगा? हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, एज इट डू नॉट हैव एनी कंडीशन इन इट। उसमें क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं है तो उसका कोई भी पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ का और एलिफ का। फाइनली क्या एग्जीक्यूट होगा? फाइनली आपका एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन ही नहीं होती, तो उसका चलना गारंटीड है अगर हम एल्स पे पहुंचते हैं। यहां तक मुझे बता दीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। अगर क्लियर है तो भी बता दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। क्लियर टिल हियर? थैंक यू मान्या फॉर योर प्रेजेस। आप लोगों की वेरी इजी बेटा, इजी है वो इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। ये चैप्टर सबसे, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। ऐसे ट्वेल्थ के बच्चे हैं जिन्हें इस चैप्टर में कुछ नहीं आता, तो आपको इजी लग रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन सब में यूज होगा। चलिए, इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ये हमारा एग्जाम्पल आ गया। चलिए, एक सिंपल एग्जाम्पल है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इफ एलिफ एल्स कंडीशन, जिसमें हमने चेक करा है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। हमने यूजर से एक इनपुट लिया a इक्वल टू इंट। अच्छा, ये इंट क्यों लगाया जाता है? प्लीज आई एम रिवाइजिंग योर टॉपिक्स, प्लीज लेट मी नो ये इंट क्यों लगाया जाता है। जी मान्या, डेफिनेटली आप पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो मुझे पता है, तभी आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो रही है और मैं समझा रहा हूं। ओके, कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टूडेंट? विच एग्जाम्पल उज्जवल यू आर टॉकिंग अबाउट? किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? इंटीजर में इनपुट में के लिए अंशिका इज सेइंग फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंट, आस्था इज सेइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, आयुष का कहना है टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। यहाँ पे हमने इंट इसलिए लगाया है ताकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू में चेंज कर सकें। किसको चेंज कर सकें? स्ट्रिंग को। क्यों? क्योंकि इनपुट नाम के फंक्शन की, इस इनपुट नाम के फंक्शन की एक कमी है कि ये हमेशा हमारे को किस टाइप की वैल्यू देता है? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है। इसमें हमने मैसेज डाल दिया एंटर नंबर टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने जो ए की वैल्यू डाली है वो क्या डाली होगी। लेट अस एज्यूम नाउ कि यूजर ने ए की वैल्यू डाल दी सपोज -19। यूजर ने ए की वैल्यू डाल दी -19, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम यहां आएंगे, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ट्वेल्थ का बच्चा और इफ एल्स नहीं आता उसका नाम। आई डोंट डीफेम एनी बडी ऑन माई चैनल उज्जवल, मैं किसी का नाम नहीं लेके डीफेम नहीं करूंगा, वरना लिस्ट तो मेरे पास सच में इतनी बड़ी है कि आप हैरान हो जाएंगे। वो एक आता बच्चा नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें इफ एल्स भी नहीं आता, बट आई डोंट वॉन्ट टू डीफेम एनी वन, दैट इज वाई आई विल नॉट टेक द नेम। ओके, मान्या ने हमें सीधा बता दिया कि इसमें हम एल्स पार्ट पे पहुंच जाएंगे। पहले मुझे बता दीजिए 19 ग्रेटर देन जीरो का जवाब क्या आएगा? 19 ग्रेटर देन जीरो का जवाब क्या आएगा? सिर्फ इतने पार्ट का आंसर बताइए, इफ कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू या फॉल्स? 19 ग्रेटर देन जीरो, इतने का जवाब क्या आएगा? प्लीज गिव योर आंसर फॉर दिस पार्ट ओनली। 19 ग्रेटर देन जीरो का हमारे पास क्या आंसर आने वाला है? फॉल्स, आस्था का कहना है बिल्कुल ठीक। बाकी स्टूडेंट भी प्लीज अपना आंसर मेंशन कर दीजिए। वो प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते इसलिए नहीं आता उन्हें, मोटिवेट ऑल टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स। आज मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, जिनको नहीं आता उन्हें भी करवाऊंगा, पूछ पूछ के करवाऊंगा, ताकि जिनको प्रैक्टिकल नहीं आता वो स्ट्रांग हो जाए।
तो आज की क्लास का मेरा मेन मोटिव यही है, अब थ्योरी खत्म होगी और प्रैक्टिकल शुरू होगा इसके अंदर, और उन लोगों का नुकसान होगा जो हमें क्लास में अटेंड नहीं कर रहे। बिल्कुल सही जवाब है। अब अगर इफ फॉल्स हो गया तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अब हम कहाँ जाएंगे, इफ के फॉल्स होने पर अब कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, इफ के फॉल्स होने पे अब हमारा कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, कौन सी चीज चेक होगी, कौन सी चीज चलेगी, इसके बारे में बताइए। अगर इफ फॉल्स होता तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया अंशिका, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। मान्या का भी, आस्था का भी, वेरी गुड। इफ के फॉल्स होने पे कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होता है, एलिफ पे होता है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। अब एलिफ चेक होगा, ए में क्या पड़ा है, -19। इज -19 इक्वल टू जीरो, क्या -19 जीरो के बराबर है, ट्रू या फॉल्स, क्या -19 जीरो के बराबर है, ट्रू या फॉल्स, प्लीज अपना आंसर मेंशन कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड हर्षिता, बिल्कुल ठीक जवाब है। आपकी आवाज में इतना गुस्सा किस लिए है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल एंग्री, कई बार तेज बोलना पड़ता है। सर हमें पहले बताया था, हमने पहले बताया था, ओके। आस्था का कहना है फॉल्स हो जाएगा, हर्षिता का कहना है डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसके बाद कहां ट्रांसफर होंगे। इसके बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, एलिफ अगर मैच नहीं करेगा तो कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, जो डिस्टर्ब करके हमारे लिए। क्लियर नहीं हो पाया मान्या, जो आप कहना चाहते थे क्लियर नहीं हो पाई आपकी स्टेटमेंट। एलिफ के बाद बिल्कुल सही जवाब है मान्या आपका, कि कंट्रोल जो है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा एल्स पर, और एल्स में कोई कंडीशन है ही नहीं, तो कंडीशन नहीं है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा द नंबर इज नेगेटिव। तो हमारा पहला आंसर है द नंबर इज नेगेटिव। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। तो नंबर इज नेगेटिव हमारे पास आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा हम इनपुट चेंज करते हैं, इनपुट बदल के देखते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। इस बार ए की वैल्यू को -19 की जगह ए की वैल्यू को हम मानते हैं 72। अगर ए की वैल्यू 72 है तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 92 है तो क्या चीज होगी, इसमें सबसे पहले क्या चीज होगी, वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल रन, वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल एग्जीक्यूट, व्हाट विल बी दैट, सबसे पहले क्या रन होगा इसके अंदर, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। अगर ए की वैल्यू 72 रखते हैं तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा। अंशिका का आंसर आ चुका था नंबर इज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक जवाब है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमारी ये कंडीशन मैच होगी, ए ग्रेटर देन जीरो, ए को हमने क्या माना है 72, 72 ग्रेटर देन जीरो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके बाद हमारे पास ये चल जाएगा द नंबर इज पॉजिटिव। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि इस आंसर के बाद, द नंबर इज पॉजिटिव के बाद, इस प्रोग्राम में और क्या आउटपुट आएगा। इस कंडीशन के मैच होने के बाद 72 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गया, द नंबर इज पॉजिटिव भी आ गया, इसके बाद हमारे इस प्रोग्राम में क्या आउटपुट आएगा ये भी बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आफ्टर दिस कंडीशन मैच वी आर गेटिंग द आंसर द नंबर इज पॉजिटिव, इसके बाद क्या आएगा। अंशिका का कहना है कुछ भी नहीं आएगा, ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज अपना रिस्पॉन्स दीजिए। मान्या का कहना है नथिंग, आप लोग पहले से तैयारी करके आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, नथिंग विल रन, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, इसमें कुछ भी नहीं चलने वाला। क्यों, क्योंकि अगर इफ कंडीशन मैच कर जाती है तो आगे हमारी कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, तो बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। अब लास्ट सिचुएशन देखते हैं, अगर हम इसमें ए की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट, यहाँ पे हम ए को मान लेते हैं 0, ये फाइनल केस है हमारा। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये मैच नहीं करेगा अगर हम 0 ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हैं। तो उस केस में फिर हम कहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे एलिफ पे।
एलिफ में जीरो इक्वल टू जीरो मैच हो जाएगा, और जीरो इक्वल टू जीरो मैच आ जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा द नंबर इज जीरो। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने मेरे से पहले कह दिया था, एज वी डिडंट गिव नथिंग और फिर स्टेटमेंट इज करेक्ट देन नथिंग विल हैपन, एलिफ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और द नंबर इज जीरो आ जाएगा। इफ में अंशिका ने काटा मार दिया, एलिफ को सही कर दिया। अंशिका भी हमारी तरह विजुअलाइजेशन की थीम को इस्तेमाल कर रही है, वेरी गुड अंशिका, बहुत अच्छा तरीका है आपका समझाने का, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द नंबर इज जीरो। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और हम यूज कर सकते हैं इफ एलिफ एल्स का। चलिए कुछ प्रोग्राम्स बना के देखते हैं, जस्ट सॉरी, चलिए कुछ प्रोग्राम्स बना के देख लेते हैं ताकि आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल एनहेंस हो सके और आपको वो एक्स्ट्रा मिल सके जो उन लोगों को नहीं मिला जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी। तो चलिए हमारा प्रोग्राम जो है, और आप लोग प्लीज़ चैट सेक्शन में अपने कोडिंग करते रहिएगा, आप पैरेलली अपनी कोडिंग करते रहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वैप, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। और टोटल मार्क्स परसेंटेज के बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो टेल व्हाट ग्रेड विल बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। तो ये हम एक प्रोग्राम बना के देखना चाहते हैं, इसमें हमारे पास एक टेबल है, टेबल में हमारे को दे रखा है परसेंटेज और हमारे को दे रखा है इसमें ग्रेड। परसेंटेज अगर मोर देन 90 है, 90 से ज़्यादा है, तो ग्रेड जो है वो हम देना चाहते हैं A1। जस्ट अ सेकेंड, अगर परसेंटेज 80 टू 90 है तो हम ग्रेड देना चाहते हैं यहाँ पे A2। अगर परसेंटेज 70 टू 80 है, इसमें 81 कर लेते हैं इसे टू बी मोर प्रिसाइज, और इसे भी 71 कर लेते हैं। ओके, आप लोगों की कोडिंग आनी शुरू हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप मेरे से पहले क्रिएट कर लेंगे, चलिए मैं अपना क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से ही कोडिंग कॉपी पेस्ट मार लूँगा, मेरा काम आसान हो जाएगा आप लोगों को टेपा मार के। मुझे नहीं सिखाएंगे कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। ओके, 61 टू 70 वी विल हैव अनदर ग्रेड B2, और इसके बाद हमारे पास 51 टू 60, इसे ऑलमोस्ट लास्ट रखते हैं, इसे कर देते हैं सी ग्रेड, और अगर किसी के, चलो एक और ले लेते हैं लास्ट में, 41 टू 50 लेट इट बी डी ग्रेड एंड लेस देन 40 देन इट विल बी फेल, अगर उसके इससे कम आए हैं तो वो फेल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं। आप लोगों की कोडिंग आ चुकी है मेरे पास, तो मैं जल्दी से शुरुआत कर रहा हूँ। हमें पांच सब्जेक्ट लेने हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया M1। M1 स्टैंड फॉर मार्क्स 1 इक्वल टू इंट इनपुट, और हमने कर दिया एंटर मार्क्स ऑफ
फर्स्ट सब्जेक्ट, इसे वन में कर लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, वरना टाइपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। और इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, इसे M1 की जगह M2 बना दिया हमने, और यहां पे फर्स्ट की जगह इसे सेकंड कर दिया। और ऐसे हम एक और पेस्ट कर लेते हैं, इसे कर देते हैं M3, और एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट कर देंगे इसे हम। और ऐसे ही हमारे को M4 की लाइन चाहिए चौथे मार्क्स के लिए, तो हमने M4 कर दिया और एंटर द मार्क्स ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। और इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम चेंज करके फिफ्थ कर देते हैं, M5 कर देते हैं इसे, और यहाँ पे भी फिफ्थ सब्जेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास पांच सब्जेक्ट के मार्क्स आ चुके हैं। इन पांच सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, टोटल। तो हमने यहाँ पे टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया, कॉपी पेस्ट फोर टाइम्स जी बिल्कुल, वो थोड़ा और शॉर्टकट पड़ता। एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस M5, तो ये हमने पांच सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करा लिए, टोटल नाम के वेरिएबल में चले गए। परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ भाई मुझे, आस्था ने ऑलरेडी हमें दे रखा है आंसर, परसेंटेज इक्वल टू PER नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, टोटल इनटू 100 डिवाइड बाय 500, या डायरेक्ट हम कर सकते थे टोटल डिवाइड बाय 5 तो भी हमारे पास आ जाता, तो ये हमारी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ये दो चीजें हम यूजर को दिखा देते हैं, प्रिंट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आर टोटल, और फिर हम दिखाना चाहते हैं परसेंटेज, तो उसके लिए हमने लिखा द परसेंटेज, जस्ट अ सेकेंड, ऑब्टेन्ड इज कॉमा PER, जिसमें हमारा आंसर था। अब यहां से हमारा इफ एलिफ शुरू होगा। इफ पहली कंडीशन है, हमने किसे चेक करना है, परसेंटेज को, परसेंटेज किसमें पड़ी है, PER नाम के वेरिएबल में। और पहली कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज मोर देन 90 है, इक्वल टू नहीं, मोर देन 90, तो हमने लिख दिया परसेंटेज ग्रेटर देन 90, अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो क्या करना है। हेडर का फॉर्मेट क्या था, हेडर में इफ लगना है, कंडीशन लगनी है, कॉलन लगना है, तीनों पार्ट हमने कर लिए। कॉलन लगा के एंटर मारा, इंडेंटेशन अपने आप आ गई, मान्य आप चेक कर लीजिए, आपने कहा था टैब के चक्कर में प्रॉब्लम आ रही थी, टैब की जरूरत नहीं है, इंडेंटेशन अपने आप आती है अगर आपने सही कंडीशन ड्राफ्ट करी है तो। अब यहाँ पे हमने सीधा दे दिया, हमने ग्रेड नाम का वेरिएबल ले लिया और हमने ग्रेड को कर दिया ए वन, और यहां पे इसके बाद हम आ गए अगली कंडीशन के लिए एलिफ पे। एलिफ यूज करेंगे इसके अंदर, लिस्ट का यूज कर सकते थे, इन्होंने लिस्ट का यूज करके बताया, लेकिन अभी हमने बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया कि वो डायरेक्टली इस इफ का यूज कर पाए, तो एलिफ पे आ रहे हैं हम। एलिफ में हमारी दूसरी कंडीशन बन जाएगी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, 81 से बड़ी है, 81 के जितनी हमारी ये वैल्यू होनी चाहिए, एंड एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाया, और परसेंटेज क्या होनी चाहिए, लेस देन 90, लेस देन इक्वल टू 90, यहाँ पे हम 90 को शामिल कर रहे हैं, तो हमने लेस देन इक्वल टू 90 कर दिया, तो जिसके 90 आए हैं वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर देंगे ग्रेड इक्वल टू जो हमने ग्रेड देना था, यानी कि ए टू। अब ये लाइन हमारी ऑलमोस्ट सेम है बाकी कंडीशंस में, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अगली कंडीशन हमारी क्या थी, 71 से 80 तक, तो यहाँ पे हमने 81 को मिटा के 71 बना दिया, और 90 की जगह हमने यहाँ पे 80 रख दिया, ग्रेड हमने अपना चेंज करके बी वन कर दिया, ओके, ए बी वन नहीं बी वन। और इसके बाद हमने फिर ब्लॉक के बाहर आए, पेस्ट कर दिया। आप देखिए इफ एलिफ जो है वो इफ की ठीक सीधाई में आ रहा है, उसके ठीक नीचे आ रहा है,
हमारे अगले मार्क्स जो थे वो 61 to 70 थे, तो हमने इसे पेस्ट करके चेंज कर दिया, 61 to 70 कर दिया और ग्रेड को हम कर रहे हैं B2। इसके बाद हमने एक और कंडीशन देनी, हमने पेस्ट कर दिया इसे फिर से और यहाँ पे हमारे जो मार्क्स हैं वो हो जाएंगे 51 to 60 और ग्रेड हमारा हो जाएगा इसमें सी ग्रेड, ओनली सी दिस टाइम। उसके बाद हमने एक और कंडीशन को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं, इस बार हमारा ये हो जाएगा 41 से 50 तक और इस बार हम ग्रेड जो है वो डी दे रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, आई विल सी टू योर कमेंट्स चैट्स राइट नाउ, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लास्ट में हम एल्स लगा रहे हैं और इस एल्स में हमने लिख दिया ग्रेड इक्वल टू फेल और अब हम यहां पे स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट यू सिक्योर्ड कॉमा ग्रेड, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। इसे सेव कर रहा हूं, मैं नाम इसका रख रहा हूं इफ एलिफ एल्स डॉट पी वाई और वन भी लगा देते हैं क्योंकि हम आगे और इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो मैसेज आ रहा है इंटर फर्स्ट मार्क्स सब्जेक्ट, तो मैंने यहां पे मार्क्स दे दिए, किसी के भी मार्क्स दे देते हैं 89। सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स 90 आ गए, अगले सब्जेक्ट में थोड़ी सी नहीं है डूबी और अगले में फिर भी अच्छे आ गए 88 और उससे अगले में 98। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स आ गया 441, परसेंटेज हमारी आ गई 88.2 और आप देख सकते हैं 88.2 किस में लाए करता है 81 टू 90 के बीच में और 81 टू 90 के हिसाब से हमारा ग्रेड क्या बैठना चाहिए A2। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या ग्रेड आ रहा है A2 आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म दिस, वी कैन मेक यूज ऑफ दिस एलिफ टू गिव मोर देन वन कंडीशन, ज्यादा कंडीशन देने के लिए हम एलिफ का यूज कर सकते हैं और फिर अपनी मर्जी की किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा के एक्यूरेट आंसर को ले सकते हैं। नाउ लेट मी चेक व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाई डिडंट यू टेक फ्लोट इनपुट, तो सर कॉमा का यूज करते हैं बनाते के लिए, कहाँ से प्रिंट करना है, कोई नहीं ले सकते हैं, क्या कोई भी ले सकते हैं, यू सिक्योर फेल सो दिस दैट दिस किसी और बच्चे के पास ना जाए वो। अरे सर को कह रहा हूं, ओके मान्या नाराज हो गई कि उसे फेल करवा दिया, मान्या आपको नहीं करवाया, वो सर को मार्क्स बता रहे थे और सर को कह रहे थे। तो इस तरीके से हम इफ एलिफ का यूज कर सकते हैं। क्या एक और प्रोग्राम बनाना चाहेंगे, एक और कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाना चाहेंगे, प्लीज चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। शुड वी गो फॉर वन मोर प्रोग्राम और शुड वी एंड आवर सेशन, क्या एक और प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, थम्स अप दीजिए, यस बताइए, जल्दी से अपना जवाब मेंशन कीजिए, एक और प्रोग्राम बनाना चाहेंगे फिलहाल या यही सेशन को फिनिश करें हम अपने। डेफिनेटली फन इज नेसेसरी, आशा का कहना है यस, मान्या भी यस कह रही है, नाउ अ गेम, अभी कहां से गेम हो जाएगा, मान्या का कहना है यस, योगेश इज देयर इन द क्लास, ओके। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन बाइट गेम, चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम ऑल्ट एफ एन कर देते हैं, नई स्क्रीन ले आएंगे, इसे क्लोज कर देते हैं हम। प्रोग्राम फटाफट मैं आपको लिख के बताता हूँ कि क्या करना है हमने, वैसे अगली बार से मैं क्वेश्चंस पहले से ही रेडी रखूंगा ताकि उसमें टाइम ना वेस्ट हो। वी वॉन्ट टू एक्सेप्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ डेज taken by the user in returning the book back to the library and
एंड अकॉर्डिंगली चार्ज फाइन ऑन हिम, उसके ऊपर फाइन लगाना है हमने अगर वो प्रॉपर टाइम पे बुक वापस नहीं करता। यहां पे नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, और फिर हमारे पास है फाइन पर डे। तो देखते हैं किस तरीके से है। नंबर ऑफ डेज है लेस देन 10, फाइन पर डे है रुपीज 2, नंबर ऑफ डेज है आपका 10 to 20, और फाइन पर डे है हमारा रुपीज 5। और नंबर ऑफ डेज है हमारा 21 to 30, और फाइन पर डे है रुपीज 10। आप लोग इसे चैट में कोड करना शुरू कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज है हमारा 31 to 40, और फाइन पर डे हो जाएगा हमारा रुपीज 20, और नंबर ऑफ डेज है हमारा इसमें 41 to, या मोर देन बस कर देते हैं, मोर देन 40। तो फाइन पर डे हो जाएगा हमारा लमसम रुपीज 1000 एंड मेंबरशिप कैंसल्ड। और अगर उसने किताब वापस नहीं करी तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे हम। ये हमारा प्रोग्राम है जो हम बनाना चाहते हैं। ओके, फटाफट प्लीज अपने कोडिंग लिखना शुरू कर दीजिए, हम बताएंगे प्रोग्राम। बिल्कुल बताइए, सर समझ नहीं आया क्वेश्चन मान्य। इसमें आपने क्या करना है, जैसे लाइब्रेरी में हम बुक लेते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे को टाइम मिलता है कि इतने टाइम में वो बुक वापस करनी है। अगर आप बुक वापस उतने दिनों में नहीं करते तो क्या होता है, लाइब्रेरियन फाइन चार्ज करता है। अब यहाँ पे लिमिट बंदी हुई है कि अगर आपने इतने से इतने दिन में वापस कर दिया तो इतना फाइन लगेगा, अगर आपने इतने से इतने दिन में फाइन वापस किया तो इतना फाइन लगेगा। तो ये आपने कैलकुलेट करके बताना है कि फाइन कितना कैलकुलेट होगा। ओके, लास्ट ईयर करवाया था आयुष का कहना है। चलिए, रिविजन तो होता ही रहता है। आस्था ने फटाफट कोड लिखना शुरू कर दिया, वेरी गुड आस्था, आपकी स्पीड हम भी अपनाते हैं। मैं एनओडी ले रहा हूँ, एनओडी मीन्स नंबर ऑफ डेज, इंट इनपुट, मेरी टाइपिंग स्पीड भी फिलहाल ठीक ही है। एंटर द नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब सीधा हमारी कंडीशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया फाइन, और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने रख दी 0। हमने पहली कंडीशन लगाई इफ एनओडी यानी नंबर ऑफ डेज लेस देन 10, अगर दिन 10 से कम हैं तो हमें फाइन क्या करना है, तो हमारे को फाइन लगाना है रुपीज 2 पर डे। तो इसे हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अगर मान लो मैंने 4 दिन बाद वापस करी, 1 दिन का फाइन 2 रुपए, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 8, तो वो कैसे निकलेगा मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करा। अगली कंडीशन हम किससे दे रहे हैं, एलिफ से दे रहे हैं। एलिफ में हमने लिख दिया एनओडी। अच्छा, ये देखो पाइथन में एक और स्टाइल है, ये आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि आप लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपके फायदे की चीज दूसरों को नहीं मिलेगी। ये देखो पाइथन का स्टाइल, 10 लेस देन इक्वल टू एनओडी लेस देन 20। पाइथन में मैथ की तरह कंडीशन लिखी जा सकती है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम नहीं हो सकता। और हमने इसमें 20 को इंक्लूड करना था, तो हम लेस देन इक्वल टू 20 कर रहे हैं। ये चीज एक्सक्लूसिव कंटेंट है, इस तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट तभी मिलेगा अगर आप बाइट से जुड़े रहेंगे, अदरवाइज जहां का आपको मैटर लेना है वहां का लेते रहिए और घाटे में रहिए। यहां आएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। इस केस में हमारा नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं फटाफट। यहां पे हमारी कंडीशन बनेगी 21 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ डेज विच इज लेस देन इक्वल टू 30। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन बन गई। इस केस में हमारा फाइन कितना है, इसमें हमारा फाइन है रुपीज 10, तो हमने कर दिया नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 10। और फिर हमने अगली कंडीशन दी एलिफ लगा दिया, इसमें हमारी वैल्यू है कि 31 से
40 तक होगा तो हमने लिख दिया 31 लेस देन इक्वल टू एनओडी विच इज लेस देन इक्वल टू 40, और यहां पे हमने कर दिया फाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 20. लास्ट में हमने लगा दिया इसमें एल्स, और एल्स के अंदर हमने कर दिया फाइन इक्वल टू 1000, लमसम 1000 है, इसका मतलब हिसाब चुकता करके 1000 लिया और कहानी खत्म करी और फाइन नहीं है. इसके अंदर एक लाइन और डाल रहा हूं और वो है योर मेंबरशिप इज कैंसल्ड. अब लास्ट में हमें फाइन दिखाना है तो प्रिंट यू हैव टू पे द फाइन ऑफ रुपीज कॉमा फाइन. तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं. हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया. यस उज्ज्वल यू आर राइट ओवर हियर, जियो मीट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ दैट जूम इफ एलिफ एल्स टू डॉट पी वाई. तो जल्दी बताओ कितने दिन बाद वापस करी बुक. प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद वो बुक वापस करी आपने. क्वांटिटी बताओ. सर क्लास के बाद डेटा हैंडलिंग यूट्यूब पे कराओगे क्या. सर क्लासेस के बाद फाइल हैंडलिंग होगी बेटा, डेटा हैंडलिंग नहीं फाइल हैंडलिंग. एक बार रिपीट करोगे प्लीज. यस मान्या बिल्कुल रिपीट कर देते हैं आपके लिए. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज एक्सेप्ट करवा लिए. नंबर ऑफ डेज एक्सेप्ट करवाने के बाद हमें फाइन कैलकुलेट करना, तो फाइन हमने डाल दिया रुपीज जीरो. आस्था का कहना है 32 डेज डाल दे, चलिए 32 डेज डाल देंगे आस्था. और अगर हमने कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन क्या थी, अगर डेज 10 से कम है तो फाइन हमें 2 रुपीज लगाना है. तो हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर नंबर ऑफ डेज लेस देन 10 है तो हमने फाइन पर डे रुपीज 2 था, तो नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमने फाइन कैलकुलेट कर लिया. अगली कंडीशन देखो, इस स्टाइल से भी पाइथन में लगाई जा सकती है. आपने यहाँ पे लिखा वैल्यू 1, ऑपरेटर वेरिएबल, ऑपरेटर लिटरल. तो इस तरीके से भी पाइथन में कंडीशन को यूज किया जा सकता है, और ये आपका बाइट का एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइट पे मिलेगा, और कहीं इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और किसी ऑनलाइन सोर्सेज में, मेरा मतलब है जूम और बाकी जगहों पे. तो यहाँ पे हमने कंडीशन थी कि अगर फाइन हमारा 10 से 20 डेज का था तो कितना फाइन लगना है, 5 रुपीज. तो हमने ये लगा दिया कि फाइन जो है वो नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया. अगर हमारे पास 21 से 30 है तो हमारे पास 10 रुपीज़ के हिसाब से लगना है. तो हमने ये करा, कंडीशन लगाई 21 से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और 30 से मतलब सॉरी नंबर ऑफ डेज शुड बी ग्रेटर देन 21 एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन 30. तो रन कर रहा हूँ मैं इसे. आस्था ने पहले कहा था तो चलिए आस्था की बात मान लेते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में 32 डाल रहा हूँ, और देखिए हमारे पास आ गया द फाइन इज 640. कैसे, नंबर ऑफ डेज 32 है, 32 लेस देन 10 फॉल्स. 32 10 से 20 के बीच में आता है, नहीं. 32 21 से 30 के बीच में आता है, नहीं. 32 31 से 40 के बीच में आता है, हाँ. तो 32 into 20 हो गया, और 32 into 20 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 640. चलिए उज्जवल का भी चला के देख लेते हैं. उज्जवल का कहना है 101 डाल दीजिए. तो चलिए मैं डाल रहा हूँ नंबर ऑफ डेज 101. 101 का शगन होता है बेटा, आप डेज 101 डाल रहे हो, आपकी मर्जी है. तो 101 के शगन के लिए आपको मिलते हैं पूरे 1000 रुपए का फाइन. कृपया जल्दी से जल्दी अपना फाइन जो है वो बाइट पे जमा करा दीजिए. आपको लिंक भेज दिया जाएगा पेटीएम का, वहां से आप अपने 1000 के फाइन को जमा करा सकते हैं. प्लीज टाइमली फाइन जमा कीजिए, वरना आप पे कोर्ट की कार्रवाई करी जाएगी. तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास योर मेंबरशिप इज कैंसल्ड, और साथ में आ रहा है यू हैव टू पे द फाइन ऑफ रुपीज 1000. आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू. यहां तक आपको समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए. हमारी क्लास के मेन टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. सर ये 101 के कमेंट डालें. चलिए ये भी ठीक कहा मान्या ने, बिल्कुल ठीक मान्या, आपका ओपिनियन बिल्कुल सजेस्टेड है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल माननी पड़े आपकी बात. कि आपका आपकी पेनल्टी पैसे नहीं है, आपकी पेनल्टी कमेंट है. आप इतनी कमेंट करेंगे वीडियो पे, हमने बुक ही वापस नहीं करी ना. चलिए कोई डाउट नहीं है, मान्या की तरफ से ये आया हमारे पास. प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज़ अपना ओपिनियन दे दीजिए.
ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, अदरवाइज और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में हम नेस्टेड इफ डिस्कस करने वाले हैं और नेस्टेड इफ के साथ नेस्टेड इफ के क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस हाई लेवल क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहां पे लेके आऊंगा। तो मेरे साथ पैरेलली आप कोडिंग करना जैसे आज करी थी, आप लोग जल्दी जल्दी अपना टाइप करते रहना इसमें चैट सेक्शन में और मैं पैरेलली यहां पे करता रहूंगा। अरे सर ये नेट पैक डलवाया है इसलिए कोई फाइन नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, देवांश आप क्लास में थे मुझे तो पता ही नहीं चला, आप बहुत साइलेंट बैठे थे मुझे पता ही नहीं चला कि आप क्लास में थे भी या नहीं। कोई बात नहीं, प्लीज़ रेगुलरली अटेंड कीजिए, यहाँ बाइट की क्लासेस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके फेस पे स्माइल आ गई, डेफिनेटली इतनी सारी कमेंट्स होंगी तो बेटा स्माइल तो आएगी आएगी। और वो डिसलाइक वाला बच्चा भी भाग गया, उसने भी हमारे को डिसलाइक की जगह लाइक दे दिया, थैंक यू फॉर दैट स्टूडेंट ऑल्सो। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और देखते हैं हमारे पास कंटेंट में क्या है। और ये हमारा टाइम टेबल है, एक बार दोबारा टाइम टेबल रिवाइज कर लीजिए, आपकी क्लास 4 o'clock है, प्लीज़ सोते हुए लोगों को जगाइए, उन्हें भी कहिए कि वो भी हमें 4 बजे यहाँ बाइट पे मिलें और यहाँ पे लेक्चर को अटेंड करें, इस तरीके के एक्स्ट्रा टॉपिक्स, इस तरीके की प्रैक्टिस का पार्ट बने, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ये चीज़ें उन्हें और कहीं नहीं मिलने वाली। क्लास 12th के स्टूडेंट्स अपना शेड्यूल देख लीजिए और बाकियों को भी पास ऑन कर दीजिए, आपकी क्लासेस वेनस और सैटरडे को होती हैं और आपका टाइमिंग है 12:30 इन द नून। और क्लास 10th में अगर आपका कोई रिलेटिव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 सब्जेक्ट कोड है जो हम कवर करवा रहे हैं, उनकी क्लासेस होती हैं मंडे और थर्सडे और उनका टाइमिंग भी 12:30 इन द नून है। सर इज अंडर प्रेशर मान्या, यू डोंट नो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सर, यहाँ लाइट नहीं थी तो फोन स्विच ऑफ हो गया था, इतना ज़्यादा यूज मत किया कर, ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो जाती है। ओ माय गॉड, तब तो सर को ज़रूरत है हमारी, बिल्कुल आप लोगों के जो जोक्स हैं वो मुझे हंसाते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। आयुष का कहना है जूम प्रेशर है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, हमारी अंदर की बातें जानते हैं। सर के लिए हाफ आवर और क्लास कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जितनी मर्जी बड़ी क्लास हो, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे क्लास में सर का प्रेशर उतना कम होगा। क्या बात कही अंशिका आपने, बहुत बढ़िया बात है, डेफिनेटली बच्चे कम प्रेशर ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा प्रेशर कम, प्लीज़ इनवाइट अदर्स ऑल्सो सो दैट माई प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस एंड आई कैन हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन माई फेस। ओके मान्या कहना है सर ये जो आपने स्क्रीन यूज़ करी है कैसी आई यूट्यूब पे है या पावर पॉइंट? बेटा ये सीक्रेट है, हमारी टेक्निकल टीम है, मैं अकेला ये काम नहीं कर रहा, देयर इज अ टेक्निकल टीम बिहाइंड दिस चैनल बाइट। जैसे मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ वैसे वो मुझे फ्री टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, उनका टारगेट भी वही है जो मेरा टारगेट है, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द होल इंडिया, पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। और बाइट की टीम के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाएं जो हमें इस थीम के लिए जिन्होंने मोटिवेट किया, सजेस्ट किया और जिसकी वजह से आप आज ये थीम देख पा रहे हैं। और मैं इस तरीके की वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस भी लाता रहूंगा जिससे आप यूट्यूब पे खुद अपनी वीडियो कैसे बना सकते हो, इस तरीके के इफेक्ट्स जो मैंने दिए हैं ऐसे इफेक्ट्स आप कैसे डाल सकते हो, इसके बारे में भी वीडियोस आप फ्यूचर में देख पाएंगे। तो प्लीज बाइट से जुड़े रहिए और इस तरीके के बेनिफिट जो है वो आप सब उठाते रहेंगे, डेफिनेटली ग्रेट सल्यूट टू आवर बाइट टेक्निकल टीम। चलिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेगी, DPPs मिलती रहेंगी, क्वेश्चन मिलते रहेंगे उन बच्चों को जो टेलीग्राम पे हैं, जो टेलीग्राम पे नहीं हैं उनके लिए खाली बक्सा, खाली कुर्सी कुछ नहीं है उनके लिए, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, यहाँ पर भी URL दे रखा है, उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इंस्टा पे भी फॉलो करिए हमें, इंस्टा पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी आने वाले कोर्सेज की, और भी कुछ नया स्टफ़ मैं आपको बाइट पे अगर देने वाला हूँ तो एडवांस में आपको बता दूंगा ताकि आप अपने लिए अपना टाइम स्लॉट खाली कर लें और लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकें और चैनल को प्रमोट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप मेरी मदद कर सकें। इसके लिए आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं और भी कई सारी अच्छी चीज़ें हम इस पर पोस्ट करते ही रहते हैं।
यहाँ पे आप अपने डाउट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, डाउट्स आर डेंजरस, bit.ly/bytedoubts, प्लीज रजिस्टर योर डाउट ओवर हियर सो दैट यू मे हैव नो डाउट, और आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, यहाँ से प्लीज आप हमें देख सकते हैं। और अगर किसी को टाइम ये सूट नहीं करता और कोई और टाइम सूट करता है तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके अपना सूटेबल टाइम मेंशन कर दीजिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर किसी को 4 o'clock के टाइम में मेजर प्रॉब्लम है और आपको ये टाइम सूट नहीं करता तो अपनी क्लास और आपके लिए जो सूटेबल टाइमिंग है वो मेंशन कर दीजिए टेलीग्राम के ग्रुप पे, ताकि आपको वहाँ पे हम पोल दे देंगे, ताकि वहाँ से आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं और फिर आपके सूटेबल टाइम पर क्लास का टाइम इन फ्यूचर, इस मंथ में तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं टाइम चेंज होगा, आने वाले मंथ में एक बार को हम चेंज सोच सकते हैं ताकि आप भी क्लास को प्रॉपरली अटेंड कर सकें। तो टेलीग्राम पे हमारे पोल होंगे टाइम के रिगार्डिंग, वहां पे आप प्लीज अपना पोल दे सकते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोट्स से आप ऑफलाइन रीडिंग कर सकते हैं। आज के नोट्स भी मैं अभी थोड़ी देर में इसमें अपलोड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएंगे। 1K होने वाले हैं सर, बिल्कुल आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से बिल्कुल होंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बाइट फैमिली, बाइट फैमिली का पार्ट बनने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ लाइव सेशन में बने रहिएगा, आने वाली क्लासेस में हमें ज्वाइन करिएगा और इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस को एक बहुत एंटरटेनिंग प्रोसेस बनाइएगा। ओके, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। फिलहाल आप में से जो वॉच कर रहे हैं और 4 o'clock वाले टाइम पे नहीं आ पाए, प्लीज़ अगर आपको कोई और टाइम सूट करता है तो यहाँ चैट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। सर नाप लो पहले कितना कम हो गया, टाइमिंग के रिलेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, क्योंकि ड्रास्टिकली अभी यूज़र बढ़े हैं, 23 व्यूअर्स हो गए हैं जो कि वीडियो के दौरान में नहीं थे और बढ़ रहे हैं। तो जो व्यूअर्स हमें लाइव व्यू कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको 4 o'clock का टाइम सूट नहीं करता तो आप लोग प्लीज़ यहाँ चैट में लिख के जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी जाके हमारा टाइम से रिलेटेड पोल है उस पोल में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम सूटेबल टाइम बता सकते हैं, ताकि आप भी लाइव क्लास का पार्ट बन सकें और आप भी बेनिफिट ले सकें। जब क्लास थी तब 10 बच्चे थे और अब 25 हो चुके हैं, उज्जवल यही कह रहा था टाइम के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम रही होगी इन स्टूडेंट्स को, तभी उस समय नहीं आ पाए। तो प्लीज़ अगर टाइम की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ टाइम मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज 4 o'clock हम यहाँ पे मिलेंगे, आपको टाइम टेबल दे दिया गया है तो प्लीज़ वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर बस ज्वाइन होने के लिए आए हैं ये, कोई बात नहीं, अगर इन्हें टॉपिक समझने का इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर अपना शायद लॉस करेंगे अगर नहीं समझेंगे। मेरा देश बदल रहा है, ओके चलिए मान्या प्लीज बता दीजिए, आपको कुछ डाउट पूछना था, कुछ प्रॉब्लम पूछनी थी। यस मान्या प्लीज टेल व्हाट यू वांटेड टू आस्क, जो आप डाउट लेना चाहते हैं मान्या प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लेरिफाई कर दूंगा। और जो व्यूअर्स अभी आए हैं मैं उन्हें बता देता हूं कि हमने लेक्चर अभी अभी कंप्लीट करा है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को चैट सेक्शन में कवर अप कर लूंगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, अभी ये वीडियो कंप्लीट हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाके रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं और इसका बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं अगर आप लाइव के दौरान मौजूद नहीं थे तब भी। सर फोन में बैटरी खत्म हो गई अब तो, ओके मान्या तो आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज चार्जर कनेक्ट करके रखिएगा और अपने डाउट को जरूर ले लीजिएगा और मैं आपके डाउट को साथ के साथ क्लेरिफाई कर दूंगा, अदरवाइज आप जो URL दिखाया था वहां पे अपने डाउट को रजिस्टर कर लीजिए, मैं आपके डाउट को पहले से ही कवर अप कर लूंगा। एज यू विश मान्या, जैसा आपको ठीक लगे यू कैन आस्क ओवर देयर ऑल्सो। Anybody else, any suggestion, any doubt, this is our chit-chat time, family members बात कर रहे हैं आपस में, तो अगर कोई और member कोई बात करना चाहता है, कोई suggestion देना चाहता है तो please आप बता दीजिए।
और कोई अप्रिशिएट करना चाहता है इस बाइट की न्यू थीम को तो वो भी कर सकता है, लेकिन प्लीज़ यहाँ चैट सेक्शन के साथ साथ कमेंट्स में भी करिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लाइक आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं तो लाइक भी करिए और कमेंट में बताइए हमारे को न्यू थीम आपको क्या कैसी लगी, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए और कुछ इम्प्रूवमेंट जो आप और एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आप फीडबैक के तौर पर दे सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसके रिगार्डिंग भी फ्यूचर में सोच सकती है। और बताओ, बहुत बढ़िया उज्जवल, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। सर उसमें भी होंगे बताने के लिए, जी सर वहाँ पे भी है, सर हर जगह हैं। देवांश का कहना है सर रेस्ट ले लो। बेटा रेस्ट ले लिया तो पिछड़ जाएंगे, रेस्टलेस हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। इस कोरोना काल के दौरान जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतना हेल्दी रहेंगे और उतना ज़्यादा हम पावरफुल बनेंगे। तो यही हमारा नारा है, कोरोना को अगर भगाना है तो मेहनत करते रहो और सफलता की सीढ़ियाँ आगे चढ़ते रहो। जो जितना पढ़ेगा उतना ज़्यादा उसे आगे फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। ये सारे बच्चे न्यू थीम देखने के लिए आए थे, सिर्फ यही देखना चाह रहे थे कि भाई न्यू थीम है। अब कोई जुरासिक पार्क का डायनासोर तो होगा नहीं भाई यहाँ पे। विवेक सर थे पढ़ाने के लिए, विवेक सर ही होंगे, कोई टीरेक्स तो आने का नहीं। तो अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो तो नहीं मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पे मैं ही मिल सकता हूँ जी। बाइट फिटनेस, आपको इस तरीके की मोटिवेशन, बाइट पोइट्री, ये सब चीज़ें आती रहेंगी जब आप लोगों का साथ रहेगा, तो इस तरीके की चीज़ें मेरे अंदर से निकलती रहेंगी। नहीं नहीं सर, लो बैटरी चार्ज करके आएंगे हम और फिर हंसाएंगे आपको। थैंक यू फॉर सच अ गुड इंटेंशन मान्या, फिटनेस इज डेफिनेटली नेसेसरी। चलिए, और किसी का कोई सजेशन कुछ और है तो बता दीजिए, वरना क्लास को यहीं रखते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारा टाइम हो चुका है हमारी क्लास को, अदरवाइज अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। वी लव द वर्क ऑफ द बाइट टीम, डेफिनेटली बाइट टीम के लिए हिप हिप हुर्रे। ओके, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज बी द पार्ट, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस लाइव सेशन एंड गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग एट बाइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लाइव सेशन। ओके ओके, बाय।